भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने पर कमलनाथ की ओर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग चुनाव के वक्त हिंदू बन जाते हैं, चुनाव के समय इन्हें कथा और प्रवचन याद आते हैं और इसके बाद धर्म को भूल जाते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ बागेश्वर धाम शरण में कथा करा रहे हैं। देखिए, चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं, इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। चुनाव आता है तो कथा वाचन के लिए सभी को बुलाते हैं और चुनाव के पहले उन्हीं लोगों पर अनेक तरीके के प्रश्न का प्रहार करते हैं और चुनाव के बाद धर्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं। सर राहुल गांधी, मैंने इस पर ऑलरेडी कह दिया है, मैंने कह दिया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उस पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारी यही सोच विचारधारा है कि वर्तमान में केस अभी भी चल रहा है और जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है उसका पालन हम सबको करना है। सर नंबर ऑफ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुमत से को लेकर सरकार के लिए मैंने यही कहा है कि मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं नंबर देता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रचंड बहुमत से, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में भाजपा की संभागीय बैठक आयोजित की गई जिसमें बूथ लेवल पर मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। इस बैठक में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, महाराष्ट्र के संगठन प्रभारी जयभान सिंह पवैया सहित कई लोग शामिल हुए। सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि भूपेंद्र यादव जी प्रभारी के रूप में हमें दिशा निर्देश देंगे कैसे हम लोगों को कार्य करना है और उसी के तहत हम लोग सब जमीनी स्तर पर लगेंगे। हमारी एक ही सोच और विचारधारा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। सर लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के जरिए पोलिंग बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की सीख पर वो तो सदैव है, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अब आप लोगों ने शायद अमित शाह जी का भाषण इंदौर में नहीं सुना, जो अमित शाह जी ने स्वयं कहा कि जिताने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले बूथ के कार्यकर्ता होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।